दोस्तों, जिस तरीके से आपके YouTube वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैटर करता है, उसी तरीके से जो वीडियो का टैग होता है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप अपने YouTube वीडियोस में टैग अच्छे अच्छे नहीं लगा पाते हैं, वायरल टैग्स को नहीं खोज पाते हैं और नहीं लगा पाते हैं सही तरीके से, तो क्या होता है कि आपका YouTube वीडियो सजेस्ट नहीं होता है। मतलब YouTube को टैग के माध्यम से ही पता चलता है कि ये वीडियो इस टॉपिक पर है और हमें इस ऑडियंस के पास भेजना है। तो ऐसे में टैग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जहां से आप वायरल टैग्स को फाइंड कर सकते हैं और अपने YouTube वीडियोस में लगा करके उसे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे जिससे कि आपके वीडियोज़ वायरल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले तरीके की बात करते हैं जहां से आप टैग को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जाएंगे YouTube पर। पहले मैं भी यही करता था, मैं YouTube पर जाता हूं, आज भी मैं ऐसे ही करता हूं। YouTube पर जाने के बाद सर्च आइकन पर आपको जाना होगा और जिस भी टॉपिक पर आपका वीडियो है, फॉर एग्ज़ाम्पल YouTube चैनल कैसे बनाएँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे YouTube चैनल कैसे बनाएं। तो चलिए हम ऐसे चैनल लिखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं और आप इन्हीं कीवर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप यहाँ से देख देख करके टाइप कर सकते हैं अपने टैग वाले सेक्शन में। और ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सर्चेबल है, लोग इसे बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। तो आप इनमें से ले करके 2-4 अपने टैग वाले सेक्शन में डाल सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आपको vidIQ नाम का एक एप्लीकेशन है, इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें आपको रैंकिंग भी दिखा दिया जाता है और यहाँ पर लाइव स्कोर भी आपको देखने को मिल जाता है फ्री में। इसमें आप लॉगिन करेंगे जिस भी ID से आपका चैनल है। इसके बाद आप यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो जो भी वीडियो में आप टैग लगाना चाहते हैं आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर पहले से मैंने बहुत सारे टैग्स को लगाया हुआ है। अब आपको फाइंड कैसे करना है और आपको लगाना कैसे है, तो देखिए नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 टैग्स देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा यहाँ पर टैग लगा दिया था, यहाँ पर स्पेस खाली नहीं है। चले मैं यहाँ से एक हटाता हूँ, मेक मनी एडसेंस, इस तरीके से मेरा एक टैग ऐड हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से पब्लिक चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टैग आपके वीडियोस में लग जाएगा और ऊपर आपको SEO स्कोर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मेरे वीडियोस का 48% अभी के टाइम पर है। बस यहाँ पर आपको आना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, टैग पे यहाँ से क्लिक करते चले जाएंगे और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, आपको SEO स्कोर भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। आप आएंगे गूगल क्रोम पर, तो यहाँ पर आप गूगल पे लिखेंगे रैपिड टैग्स और इस तरीके से सर्च करेंगे। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके से रैपिड टैग्स करके एक वेबसाइट आएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है पहले वाले वेबसाइट पर और यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। यूज टूल्स फॉर फ्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। एकदम यहाँ पर इजी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ और यहीं पर आपको बहुत अच्छे अच्छे टैग्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर टाइटल डालने का ऑप्शन आ चुका है। जस्ट आप यहाँ से टाइटल को डालेंगे, जैसे कि हम यहाँ से लिखते हैं यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, सर्च करेंगे और आपको वेट करना है थोड़ा सा। देखिए आपके सामने बहुत सारे टैग्स आ चुके हैं, आप यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके बाद आप इसे टैग वाले सेक्शन में डाल देंगे तो आपका एक बेस्ट टैग लग जाएगा। तो इन 3 तरीकों से आप बेस्ट टैग को फाइंड कर सकते हैं और आराम से अपने YouTube वीडियोस में लगा सकते हैं। और बाकी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आराम से देख कर सीख सकते हैं।